हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक रंजन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन लाभ हानि का है और जब एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉब्लम होता है। चलिए इसको आज दूर कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम में खरीदा होता और 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये समझो कि हमेशा आपके पास इस क्वेश्चन में दो कॉस्ट प्राइस मिलेगा और दो सेलिंग प्राइस मिलेगा। दो कॉस्ट प्राइस मिलेगा तो देखो कैसे मिलता है। मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सबसे पहले हम 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे थे, ठीक है? किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे थे और हम क्या कर रहे हैं कि 10% के लाभ पर बेच रहे हैं। हमने पहले बोला, पहला लाइन ये बोलता है कि 10% के लाभ पर बेचा मतलब 110 में बेचा। सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा? 110। यहाँ पे आपको बोल रहा है ये। अब कहता है कि यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5 हम तो बेच दिए भाई, अब क्या है का सोचना। तो यहाँ पर एक सोच है, क्वेश्चन के अंदर एक सोच है कि हम बेच दिए और बेचे तो सोच ऐसा हो जाता कि जो 100 रुपये हम खरीदे थे वो 5 रुपये कम में खरीदते, यानी कि 5% कम में खरीदते। तो मतलब कितना हम खरीदते कि हम 95 में खरीदते और क्या करते कि हम जो बेचे थे उसमें भी हमको और 80 रुपये ज्यादा मिलता। जो भी बेचे थे, जो वर्चुअल में हम बेचे होंगे उससे हमको 80 रुपये ज्यादा चाहिए। मतलब 110 में हम 80 नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये तो हम मान रहे हैं, हमने इसको सपोज कर लिया कि मान लिया 100 रुपये था, 110 में बेचे और 80 रुपये एक्स्ट्रा, इसमें हम 80 ऐड नहीं कर सकते। यदि 80 एक्स्ट्रा में बेचते थे तो हमारे पास जो सेकेंड वाला जो कॉस्ट प्राइस आता है उस पर क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। मतलब इस पे 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा और 20% का प्रॉफिट का मतलब ये हो जाएगा 114 रुपये माने हुए प्राइस में। तो अब एक आप ये समझो कि 110 में पहले था, अब बिक रहा है माने है तो 114 में, लेकिन यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है, 80 का सपोज मिल रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको आएगा दो कॉस्ट प्राइस और दो सेलिंग प्राइस। हमेशा ऑलवेज हमको करना क्या है कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब घटाना होता है, अंतर होता है कि दोनों के बीच में कितना का अंतर। जैसे कि पहले 110 है और उसके बाद क्या है, 114 है, तीन दोनों के बीच में कितना का अंतर है और कितना का अंतर है, तो 4 रुपये का अंतर है, यानी कि 4 यूनिट का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 4 का है। तो हम कहेंगे कि 4 यूनिट का तो अंतर सेलिंग प्राइस में आता है, लेकिन कब, यहाँ 80 के कारण आता है। तो 4 यूनिट बराबर 80 हो गया, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 20 और 100 यूनिट का मान हो जाएगा आपके पास 2000। तो ये जो आया 100 यूनिट हमारे पास क्या है, इनिशियल वाला कॉस्ट प्राइस था। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस का जो हमारे पास इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस आता है वो कितना आता है, 2000 रुपीज आता है। आप इसको आसानी से, लेकिन हमेशा याद रखना भाई क्या कि आपको जो है ऑलवेज इसमें सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उसी को हम क्या करेंगे, उसी का लेकर के हम वैल्यू से बराबर करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है और सेकेंड क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस का है। हमको आज इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना, ताकि कभी भी एग्जाम में आता है तो हमको ज्यादा परेशानी ना होना पड़ेगा और हम आसानी से इसको बना सकें। तो कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, तो फिर से हमको कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा 100 और 15% के लाभ पे चूंकि बेच रहे हैं तो हम 115 में बेच रहे होंगे। ये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस, फिर से हमारा दो सेलिंग प्राइस आएगा। पर अब कहता है कि यदि वह 600 रुपया कम में बेचा होता, मतलब जो बेचे थे उससे हमको कितना मिलना चाहिए, 600 का कमी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 25% हम वस्तु को कम में खरीदेंगे। तो हम 100 में खरीदे थे तो हम 75 में खरीदेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमको 25% कम में खरीदे होते तब होता क्या, होता हमारे पास प्रॉफिट 32% का। कितने परसेंट का, 32% का, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 32%। तो 32 तो आपको निकालना पड़ेगा कि यदि हम 75 में खरीद रहे हैं, 32% का क्या है प्रॉफिट है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 99 इन द सेंस ये करना पड़ेगा आपको कि 75 का 32% आप निकालोगे तो ये प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट कितना आएगा, 30 है।
तो सत्य 21 और डेढ़, 22 साढ़े 22 और डेढ़ और साढ़े 22, 23 24, मतलब यहाँ पर 24 आएगा। देखो निकालने का तरीका ये है कि हम क्या किए, 75 का पहले 30% निकाले और फिर 75 का हम 2% निकाले। 75 का 2% होगा 1.5 और इसका जो ये होगा 75 का 30% होगा 22.5। हमने दोनों को ऐड कर दिया, आ गया मेरे पास 24। तो हमको ज्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ा, आसानी से हम निकाल लिए इसको, तो हो गया ये 99। अब डिफरेंस कितने का, डिफरेंस यहाँ पर कितने का, ऑलवेज हम बोले कि भाई दोनों सेलिंग प्राइस का ही अंतर हमको लेना है, तो डिफरेंस कितने का, तो 16 का। तो हम लिखेंगे 16 यूनिट बराबर कितना हो गया, 600 का कमी हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है 115 में, पहले बिक रहा था 99 में, दूसरी बार बिक रहा है, तो अंतर कितने का, 16 का, 16 घट रहा है, यदि 16 घट रहा है तो यहाँ 600 घट रहा है, तो 100 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 600 बाय 16 और इंटू 100। ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 15 और फिर ये हो गया आपका 25 और 125 25 कितना हो जाता है, 3750 रुपया जो आपका आया वो क्या आया, आंसर आया। तो सेम क्वेश्चन था, कुछ बदलाव नहीं था क्वेश्चन में। अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है, हमेशा कि हाँ हमेशा हमको ये ध्यान देना है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस आएगा, दो सेलिंग प्राइस आएगा, उसका अंतर ही हमेशा जो 600 रुपया या 500 रुपया या 80 रुपया जो होता है उसका हमको करना है बराबर में। हमें ये ध्यान तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है एग्जाम में आता है आदमी भूल जाता है करना क्या है, किस प्रोसेस से हम अपनाएं कि हमारा आंसर सही हो। तो आपको बहुत ही आसान तरीका है, कुछ हार्ड नहीं है, इसमें बस आसानी से इसको हम बना सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, ये क्वेश्चन पॉपुलर भी है, बहुत एग्जाम में भी आया है, बहुत आसानी से इसको बना भी सकते हैं, तरीका बहुत सारे होते हैं, लेकिन चलो हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। ऑलवेज क्वेश्चन को क्या करो, समझो, यदि क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा, और बनाने में प्रॉब्लम हुआ तब तो भाई क्या होगा वो आपको पता है। कहता है किसी व्यक्ति ने एक टेलीविजन को 9400 रुपया में बेचा, किसी व्यक्ति ने कोई एक टेलीविजन खरीदा उसको कितना बेच दिया, बेच दिया, चलो बेच दिया, हम देखते हैं कि क्या किया, बेच दिया, बेचा कितने में है, 9400 रुपया में। और कहता है कि कुछ हानि हुआ, कुछ, अच्छा 9400 रुपया में बेचने पे यदि हमको कुछ हानि होता है का मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो इधर कहीं होगा, हम इससे कम में होगा, मान लेते हैं समथिंग कुछ वाई रुपया मान लेते हैं, थोड़े समय के लिए मान लो। फिर कहता है कि जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टेलीविजन फिर से बेचा कितने में, 10600 में, तो पिछली हानि का दोगुना लाभ होता है। तो टेलीविजन का क्रयमूल क्या, आप ये समझो कि सबसे पहले यहां पर क्या हुआ था, लॉस। अब आप जानो कि यहाँ पे जो लॉस हुआ है, मतलब यदि किसी वस्तु के बेचने पे हमें क्या होता है, लॉस होता है, यदि किसी वस्तु को बेचने पे हमको क्या होता है, लॉस होता है, तो क्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ जरा, ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, मतलब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे यदि अपने समझदारी में लिखे तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, हमको लॉस होगा मतलब ये कम है, मान लेते हैं 100 रुपया का क्या हुआ है, इसको थोड़े समय के लिए भूल जाओ, 100 रुपया का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कहता है फिर 10600 में जब बेचते हैं दूसरा प्रकार का टीवी, तब कहता है हमको लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, तो जहां ये जो हमारे पास लॉस था इसका डबल लाभ हुआ है, मतलब यहां पर जो ये लाभ हुआ है वो 2x का है या नहीं। आप जनरली इस क्वेश्चन को यदि बनाए होंगे तो आता है कि जितना हानि हुआ उतना ही लाभ हुआ, तो दोनों को जोड़ के दो से भागा दे दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन हर बार क्वेश्चन वैसा नहीं, क्वेश्चन ट्विस्ट भी आता है, तो उस पे हमको ध्यान देना है। तो अब ये समझो यदि यहाँ, अब यहाँ से हम यदि डायरेक्ट हम सोचे कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ एक्स जोड़ेंगे और फिर 2x जोड़ेंगे तो हमारे पास मतलब ये 3x का डिफरेंस है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो अंतर होगा दोनों का, मतलब 3x बराबर क्या होगा कि 10600 और माइनस 9400, तो 9600 और 600 मतलब 1200, x बराबर कितना 400, मतलब
कि x बराबर 400 होते हैं 800, तो 9400 कितना होगा 9800। तो आप कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 9800 होगा। तभी तो ये क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन यही आता है, लेकिन इसको पूछने का तरीका तीन चार प्रकार से आता है कि इसको हम कंफ्यूज कैसे कर सकें। तो सेम ही क्वेश्चन को हम देखो बदल देते हैं कि यदि हम इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस क्वेश्चन को आप हम मौखिक बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन सुनो। यदि हम बोलते कि चलो हम 9400 में हम क्या किए, इसको बेचे और हमको प्रॉफिट हुआ। यदि प्रॉफिट हुआ होगा 9400 में बेचे और कुछ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस 9400 से कम होगा। फिर बोला कि इसी प्रकार का कोई दूसरा टीवी हम बेचते हैं और बेचते हैं 10,000 कितना में, 600 में। तो ये जो प्रॉफिट है पिछले प्रॉफिट का 3 गुना है। ये जो प्रॉफिट अभी जो एक टीवी बेचे तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर हम दूसरा टीवी बेचे 10,600 में, फिर बोले क्या कि प्रॉफिट जो होगा वो पिछले प्रॉफिट का कितना है, 3 गुना है। तो आप 3 गुना है तो यहां से यहां तक 3 गुना होगा कि यहां से यहां तक कॉस्ट प्राइस से, ऑलवेज प्रॉफिट काउंट होता है कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब 3x यहां से यहां होगा। तो अब बोलो कि आप 9400 में बेच रहे थे तो 100 रुपया हो रहा था, 9400 रुपया में बेच रहे थे तो कितना हो रहा था, 100 रुपया हो रहा था, x हो रहा था। जब 10,600 बेचे तो 3x का प्रॉफिट है, कहां चला 3x का प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट होगा हमारे पास, ये जो प्रॉफिट होगा वो 2x का होगा। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितने का गैप होगा, 2x का गैप होगा। एक सेकंड में बना सकते हैं क्वेश्चन को यदि आप समझ जाओ तो यहाँ पे जो आपका 1200 आएगा, इसका गैप कितने का, 1200 का, मतलब 2x बराबर कितना 1200, तो x बराबर कितना 600। मतलब कि आप आसानी से इसको बना सकते हो, x बराबर 600 हो गया तो आप समझो कि x बराबर 600 तो आ गया, तो ये जो गैप है वो कितने का, 600 का गैप है। मतलब 9400 में यदि हम 600 घटा दें तो 8800 जो आएगा वो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। कब, जब दोनों में प्रॉफिट प्रॉफिट कह रहा है तब। देखो अब रटवाने के लिए तो हम लिखवा सकते हैं कि जब दोनों में प्रॉफिट प्रॉफिट बोले तो जो दोनों प्रॉफिट दुगना तिगना बोल रहा है उसको घटा दो, है ना। जब आपका लॉस और प्रॉफिट बोल रहा है तो भी क्या करो, ऐड कर दो। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यदि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हानि हुआ और दुगना लाभ हुआ तो जोड़ दो 3 गुना हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1200 हो गया। आप यहाँ पर देखे ना जी, यहाँ x था, यहाँ 2x था, ये लाभ था, ये हानि था, हम जोड़ दिए 3x हो गया। डिफरेंस किसका लेना है, तो दोनों सेलिंग प्राइस का, दोनों बराबर। हम कह सकते हैं यदि आपके पास एक यहीं पे कर लेते हैं साइड में, तो यदि ऐसा हम कर लेते हैं कि आप क्वेश्चन में देख करके भी समझ रहे हो कि यदि क्या हो क्वेश्चन में, साइड में कहीं पर कर लेते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हानि पहले बोला, फिर बोला कि समथिंग दुगुना या 3 गुना लाभ होगा, 3 गुना लाभ हो गया किसका, हानि का लाभ हो गया। तो इन दोनों को क्या करना, ऐड कर देना, तो एक हानि और 3 लाभ, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक हानि था, 2 लाभ था, तो 3 हो गया था, 4 कर देना। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 को क्या करना है, घटा देना है। जैसे यहाँ पर क्या बोला कि भाई लाभ और लाभ है तो दोनों को घटा देना है, कि 3 लाभ था, 3 लाभ था में से 1 लाभ गया तो 2 लाभ बच गया, और बराबर में डिफरेंस दोनों बिक्रय मूल्य का। तो यदि आप ऐसे भी रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं। तो अब प्रॉपर ढंग से आप ये कर सकते हो क्या कि यदि हम इसको ऐसे करके हम बोल दें कि हानि है लाभ है तो ऐड कर देंगे, ठीक है, लाभ है और फिर लाभ है तो क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि मतलब सेम जात का रहेगा, एक ही प्रकार का रहेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट रहे, यदि आपके पास लॉस है, लॉस है तो भी क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ऐड सिर्फ एक में ही करना है, यदि लाभ है और हानि है तो एक तरफ हानि है और एक तरफ लाभ है, तभी हम सिर्फ ऐड करेंगे, बाकी सब में क्या करेंगे, घटा करके दोनों विक्रय मूल्य का अंतर के बराबर करेंगे, एक का वैल्यू आएगा
आप ऊपर या नीचे जाकर के आराम से इसको बना सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करके बताएगा कि हाँ ये दिक्कत था, हम उस दिक्कत को फिर से डालेंगे, फिर से नया क्वेश्चन लेकर के नए वीडियो के साथ हम आएंगे आपको और आपको जरूर बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में कोई और भी चाहते हैं कि हाँ सर ऐसा ना ऐसा इम्प्रूवमेंट हो, तो आप कमेंट करें, हमको कमेंट कीजिएगा, तो जिससे क्या होगा कि हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम इसको अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो मतलब आदमी को सबसे पहले विद्यार्थियों क्या होना चाहिए कि समझ में आना चाहिए। आप यदि समझ जाते हैं तो समझो ये मेरा वही जो कमाई है मेरा वो आपका समझना, यदि आप समझते हैं तो वो मेरा जमा पूंजी समझ लो है कि वो मेरा एक जमा पूंजी है जो कि आप कर रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मनोबल बढ़ाएं ताकि हमें भी कुछ बूस्ट मिले काम करने का। कहता है क्या, किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 में बेचते हैं, मतलब दोनों बेचते ही हैं, हम 69 की अपेक्षा, मान लिया 69 की अपेक्षा 78 में बेचते हैं, मतलब ये भी सेलिंग प्राइस ही सोच रहे हैं और ये भी सेलिंग प्राइस ही सोच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस तो कहीं होगा, दोनों का दोनों क्या है, सेलिंग प्राइस ही है, हमने कभी नहीं बोला कि हाँ ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग। कहता है हम 69 में बेचे या 78 में बेचे, तब कहता है यदि हम 69 की अपेक्षा 78 में बेचे तो लाभ प्रतिशत, यदि लाभ प्रतिशत दुगना तो लाभ भी दुगना, लाभ भी दुगना मतलब यहाँ से मान लिया, यहाँ देखो यहाँ पे मान लिया कि x प्रतिशत का लाभ हो रहा था तो लाभ प्रतिशत दुगना, मतलब सीधे कॉस्ट प्राइस से ये जो लाभ होगा वो 2x% का हो जाएगा, लाभ दुगना, आप लाभ प्रतिशत को यदि दुगना किया जाए तो लाभ भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब आप नहीं समझ रहे हो इस बात को, हम मान लेते हैं, तो मान लिया कि हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, कितने में खरीदे, 100 रुपया में खरीदे, हमने बोला कि 20% का लाभ हुआ है तो लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 रुपये का। फिर बोले कि नहीं लाभ प्रतिशत दुगना है, 40% लाभ होगा, तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, 40 रुपये का। तो आप देखो यदि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 20 से 40 हो गया, तो यहाँ भी तो ये डबल हुआ, तो रुपया में जो हमारे पास प्रॉफिट था वो भी डबल हो गया। तो यही कह रहे हैं कि यदि लाभ परसेंट किसी का कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हुआ है ना, यदि कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगा तो यदि परसेंटेज प्रॉफिट डबल हो रहा तो प्रॉफिट भी डबल होगा, मतलब यदि यहाँ पे वाई रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ 2y रुपये का प्रॉफिट होगा, ज्यादा वाई एक्स में मत घुसो, कोई जरूरत नहीं कि हम ज्यादा वाई और एक्स घुसें, आसान से ही इसको हम समझने का कोशिश करो क्वेश्चन को। तो यहाँ तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ से यहाँ तक हम मान लिया 2y रुपये का प्रॉफिट था और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2y रुपये का प्रॉफिट है, मतलब ये वाला जो गैप भरेगा वो 2y रुपये से भरेगा, है ना, तो यहाँ पे अंतर कितने का, 9 रुपये का, तो मतलब ये 9 रुपया वाई हो रहा है तो ये भी वाई कितना होगा, 9 रुपया, यदि ये 9 रुपया होगा तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। आप ये देख लो कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास आया कितना, 60, पहले हम बोले कि हम 69 की अपेक्षा सेलिंग प्राइस दूसरा ले लेते हैं, 78 में बेचते हैं तो मेरे पास लाभ दुगना हो जाता है, तो यहाँ लाभ कितना हो रहा था, 9 रुपये का, यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 18 रुपये का, मतलब ये जो गैप था वो कितना था, 9 रुपये का था। तो बस आपको ऐसे ही एलिमिनेट करके देखना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा थम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।